आमतौर पर दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है, अन्नकूट होता है, भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। लेकिन कई सालों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा की जा रही है। 24 अक्टूबर को दिवाली मनाने के बाद अगले दिन 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने के कारण आज 26 अक्टूबर को गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की गई। वहीं कुछ लोग आज भाई दूज भी मना रहे हैं। हालांकि भाई दूज मनाने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त कल 27 अक्टूबर गुरुवार को है। बैठमा में बुधवार सुबह से ही मंदिर में भीड़ रही, जहाँ लोगों ने भगवान के दर्शन कर थोक पड़वा की शुरुआत की। इसके बाद लोग अपने परिचितों के घर जाकर उनसे मिलने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं गोवर्धन पूजा के लिए महिलाओं में उत्साह दिखा। इस दिन ग्रामीण अपने गाय, बैल व अन्य पालतू पशुओं को विशेष रूप से तैयार करते हैं। महिलाएं गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर से चौक बनाती हैं। चौक की आकृति में गोवर्धन पर्वत, श्री कृष्ण, ग्वाल बाल, किताब आदि आकृति बनाई जाती है। इन सब की पूजा की जाती है। वहीं अन्नकूट प्रसाद स्वरूप बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं। इस पर्व में 56 तरह के पकवान बनते हैं, जिन्हें अन्नकूट कहा जाता है। अन्नकूट का अर्थ है अन्नों का समूह। इसमें तरह तरह के पकवान, सब्जियों, पूरी, चावल आदि का भोग लगाया जाता है। महिलाओं ने गोवर्धन पर्वत तैयार कर सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की। गोवर्धन पूजा ब्रज में स्थित गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है। इस कारण हर वर्ष गोवर्धन पूजा की जाती है। एक बार ब्रज में अधिक वर्षा होने के कारण गांववासी परेशान हो गए थे। तब भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। पर्वत के नीचे सभी ब्रजवासी, पशु पक्षी जीवन की रक्षा हेतु शरण में आ गए थे। उसके बाद से ही गोवर्धन पूजा की परंपरा की शुरुआत हुई। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।